अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है। समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम की भक्ति करते दिखाई दे रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में इस मौके को खास बनाने की तैयारी है। यहाँ पुरुषों की जय श्री राम लिखी टी शर्ट के बाद अब अयोध्या प्रिंट और राम मंदिर वाली साड़ी मार्केट में आ गई है, जिसको लेकर महिलाओं में भारी क्रेज है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस साड़ी को खरीद रही हैं। डिमांड इतनी है कि साड़ियां लाते ही साड़ियां तुरंत बिक जाती हैं। लेकिन महिलाओं के क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खुशी का दिन आ रहा है, 22 जनवरी हमारे आराध्य श्री राम भगवान अयोध्या में विराजमान होंगे। हम लोग भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। 22 के बाद कभी भी जब भगवान का आमंत्रण होगा, जब हम भी जाएंगे, बुलावा आएगा, तब बहुत हर्ष का दिन है सब पूरे भारत वर्ष के लिए। आपकी किस तरीके की तैयारी 22 तारीख को लेकर? बहुत तैयारी है। हमारे देश में सब दूर मंदिर सजाए जा रहे हैं, घरों घर दिए लगाए जा रहे हैं, घर में सब लोग घर को सजा रहे हैं, अपने अपने घर में आंगन को, और बहुत खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है। ये जो साड़ी है ये राम मंदिर के प्रिंट पर है, ये ये बहुत अच्छी साड़ी लगी, सभी महिलाएं बहुत आकर्षित हुई है साड़ी। साड़ियों की डिमांड इतनी है कि दुकानों पर साड़ियों का स्टॉक खत्म हो चुका है। दुकानदार वैभव के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह है। अयोध्या प्रिंट वाली साड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। जो भी महिलाएं आती हैं सबसे पहले इसी साड़ी की मांग कर रही हैं। के लिए हम लोगों ने साड़ी स्पेशल बनवाई है 22 तारीख के लिए, तो ये हम लोगों ने अप्रोक्स 50 पीस मंगाए थे, जो आज लास्ट यहाँ एक आधी पीस और बचा हुआ है हमारे पास, और इसकी डिमांड अभी बहुत अच्छी चल रही है। किस तरीके का प्रिंट है इसमें? सर राम मंदिर का पूरा दिया गया है इसमें, और इसमें पूरा श्री राम करके लिखा हुआ है, और ये अभी 22 तारीख के लिए जो अपना आ रहा है राम अयोध्या के, इसमें जो मंदिर बन रहा है, तो उसके पर्व में जो कस्टमर की तैयारियां चल रही है, और बहुत मतलब उनको अच्छा लग रहा है कि अपना खुद का राम मंदिर बना हुआ है। और लिहाजा खंडवा में तो इन साड़ियों को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है, तो दुकानदारों को साड़ियों की डिमांड पूरी करनी मुश्किल हो रही है। साड़ियों की धड़ाधड़ बिक्री हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए निशात मोहम्मद सिद्दकी की रिपोर्ट।